गाइस, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हो गए, फ्रेंड फाइन हो गए। वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। ब्रांड का नाम ही काफी है आपको, ज्यादा ना वर्ड चल जल्दी यार। अच्छा, तो चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके। और इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। कोई लिंक, हमने ये लिंक भी वहाँ से उठाया है। और बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उधर देख लें रोज का क्या आ रहा है वहाँ पे। ट्रेलर्स, मूवी सीन्स, कॉमेडी सीन्स, म्यूजिक वगैरह सब कुछ आ रहा है यार। हाँ, तो चेकआउट करो, मजा है। पैसे वजात का सस्ता मुजरा भी आ रहा है वहां पे, तो आप देख सकते हो। साथ साथ पैसे चुड़ने वाले ये है। तो जल्दी से मजाक साइड पे करते हैं। अच्छा, तो इंट्रो दे दे, मेरा नाम वजात है और मैं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत मस्त है, एक अच्छी न्यूज है, एक गुड सी न्यूज है इंडिया के लिए, बहुत अच्छी न्यूज है। तो पहले टाइटल बताता हूँ, आनंद महिंद्रा इज द राइट मैन टू स्टार्ट इंडियन ऐप रेवोल्यूशन एंड द टाइम इज जस्ट राइट फॉर हिम। तो जैसा कि आपको पता है, मतलब काफी ऐप्स कर दिए, तो इंडिया अब कह रहा है कि हम खुद के दम पे मतलब करें। कब तक यार वैसे डिपेंडेंट रहेंगे और ऐप्स पे, ये भी बात है। तो करना पड़ेगा। आनंद महिंद्रा जो कि बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, मतलब इंडिया के बिजनेस टाइकून है, महिंद्रा है ना ग्रुप ये बहुत, हाँ महिंद्रा वाले आनंद महिंद्रा वही है, मे बी वही है ना। तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब वो है, और वो मेरे ख्याल में शायद करें इसके बारे में, वो अपनी एप्स लॉन्च कोई करने लगे तो एक राइट टाइम भी है। तो उसके बारे में कोई वीडियो है तो जल्दी से देखते हैं। काउंट डाउन 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ऐसे व्यक्ति हैं बिल्कुल उनको कौन नहीं जानता। वे न सिर्फ सफल उद्योगपति हैं बल्कि दिल के सच्चे राष्ट्रवादी भी हैं। पिछले कुछ वर्षों से वे कई मौकों पर देश के साथ खड़े हुए हैं, और ये बड़ी बात है क्योंकि आजकल देश के साथ खड़ा होना कुछ लोगों के लिए, ये कुछ लोग कौन हो सकते हैं, भारत चीन का बॉर्डर जरा कमेंट में बताना। चीनी आक्रामकता के बाद आनंद महिंद्रा ने देश को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने का संकल्प लिया है, जहां न सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए उत्पादन बने बल्कि भारत इन्हें दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करे। आनंद महिंद्रा आजकल प्रोपेगेंडावादी चीनी मीडिया का भयंकर मुकाबला कर रहे हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मीडिया अक्सर अपने विरोधियों के खिलाफ मानसिक युद्ध छेड़ कर रखती है, जहां वह चीन को एक अभेद्य शक्ति के तौर पर दर्शाने की कोशिश करती है। इसी कड़ी में हाल ही में सीसीपी के तोते और ग्लोबल टाइम्स के मुख्य संपादक हू शीजिन ने भारत को भाषण देते हुए एक ट्वीट किया, अगर चीन के लोग भी भारत के सामान का बॉयकॉट करना चाहें तो उन्हें कुछ खास मिलेगा ही नहीं। भारत के दोस्तों, राष्ट्रवाद के अलावा कुछ और है आपके पास? भारत पर इस तरह के कटाक्ष के बाद आनंद महिंद्रा मैदान में उतरे और उन्होंने ट्वीट किया, मैं समझता हूं कि ये ट्वीट भारत के लिए सबसे प्रभावी प्रेरणा और हुंकार की तरह काम कर सकता है। हमें प्रेरित करने के लिए धन्यवाद, हम जरूर उठेंगे। आनंद महिंद्रा, उसने मजाक उड़ाया है, चुनौतियों से डर नहीं लगता और इसीलिए वे देश के लिए लड़ते हैं। हाल ही में महिंद्रा ने घोषणा की थी कि उनकी टीम ने ऐसे जीवन रक्षक वेंटिलेटर बनाए हैं जो सिर्फ 7500 रुपए में उपलब्ध हो जाते हैं। बता दें कि बाजार में एक वेंटिलेटर की कीमत 5 से 10 लाख रुपए के बीच में पड़ती है। भारत सरकार ने जिस प्रकार चीन को सबक सिखाने के लिए 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है, उसने भी महिंद्रा को बड़ा अवसर प्रदान किया है, जिसके बाद वे देश में आईटी क्रांति कर सकते हैं। चीन के विरुद्ध खड़ा होने की बात कहकर आनंद महिंद्रा पहले ही बड़ा हो सकता है यार, जिस तरह उन्होंने बोला। इसके अलावा महिंद्रा जैसे एक रेपुटेड और विश्वसनीय ब्रांड के लिए ऐप मार्केट में तहलका मचाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। महिंद्रा के पास पूंजी की भी कोई कमी नहीं है। ऐसे में जब आनंद महिंद्रा चीन की चुनौती को स्वीकार कर ही चुके हैं, तो उनसे उम्मीद लगाई जा सकती है कि वे जल्द ही आईटी के क्षेत्र में बड़ी घोषणा कर सकते हैं। एक बिजनेसमैन होने के नाते ये उनके लिए एक अवसर भी है exactly. और एक जिम्मेदारी भी। महिंद्रा ग्रुप भारत का अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीय ब्रांड है जो 100 से ज्यादा देशों में ऑपरेट करता है। कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये ग्रुप एरोस्पेस, एग्री बिजनेस, आफ्टर मार्केट, ऑटोमोटिव, निर्माण कार्य, फाइनेंस, आईटी जैसे क्षेत्रों में ऑपरेट करता है। जनवरी 2020 में पद्म भूषण आनंद महिंद्रा की संपत्ति $1.6 बिलियन थी। वर्ष 2011 में उन्हें एशिया के टॉप 25 ताकतवर उद्योगपतियों की लिस्ट में शामिल किया गया था। जैसे आनंद महिंद्रा ने बताया, चीन ने भारत को ललकारा है और भारत के विरुद्ध विष उगला है। अगर इसका उचित प्रत्युत्तर नहीं दिया गया तो ये देश के लिए शर्म की बात होगी। ऐसे में भारत के उद्योगपतियों को सामने आकर चीन की रतन टाटा के लिए कदम उठाने होंगे। तो ये वीडियो खत्म। तो यार ये बहुत बड़ी, वैसे देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है,
उन लोगों ने इंडियन ने मतलब एक किस्म का सॉरी चाइनीज ने मजाक उड़ाया कि मतलब कुछ ऐसी गुड्स हैं भी नहीं तो खास जो इनको हम बैकआउट करें। हाँ तो मतलब ऐसी बात की है जो नहीं करनी चाहिए, मतलब गरूर कभी भी इंसान को नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली गरूर जो होता है ना, गरूर जिसको मतलब उसका सर नीचे ही होता है। सीधी सी जो बात है, कभी भी अपने आप को बड़ा ना दिखाओ। जिस तरह चीनी वो जिस तरह वो ट्वीट किया, बहुत ही वो वल्गर अजीब सा था यार वो। तो मतलब कभी भी किसी को मैं वो कहते हैं ना मतलब नीचा नहीं दिखाना चाहिए कि वो ये अगला बंदा जल्द उठ के तुम्हारे तुम से ऊपर चला। एग्जैक्टली ये बहुत बड़ी बात होती है वजह। आज मतलब उनको वो घमंड है, मतलब पैसा उनके पास मुझे पता है बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हाँ सब कुछ बहुत ज्यादा, लेकिन उनको ये नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल डाउन भी हो सकते हैं यार, ये तो नहीं है ऐप्स देख इंडिया में, मतलब मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई इतना देश इतनी ज्यादा यूज करता है जितना इंडिया यूज करता है चाइनीज ऐप, और वो उस पे बैन लग चुका है। अब इनको लगता है बोखला चाइनीज ऐप चाइनीज मोबाइल कितना कुछ यूज करते हैं। एग्जैक्टली तो मतलब अब आनंद महिंद्रा ने उनका रिप्लाई दिया हाँ, और कह के हम उठेंगे, मतलब हम सारा मतलब एग्जैक्टली। तो जाहिर बात है अब इस पे वर्क करेंगे वो आनंद महिंद्रा, और मतलब इंडियन ऐप्स का रेवोल्यूशन ला सकते हैं आईटी में अगर ये घुस जाए तो। अभी मतलब एक किस्म का चैलेंज और जिम्मेदारी भी है। बताऊं क्या मुझे लग रहा ना कि आने वाले वक्त में ये मतलब कि दोबारा उठेंगे और अनाउंस कर देंगे कि भाई मतलब कि जिस तरह ना मैं वो कहना चाहता हूँ, जिस तरह मारी है ना 59 ऐप्स बंद कर दिए चाइना की, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी नहीं बना सकते, अल्टरनेटिव भी थे यार इनके। हाँ एग्जैक्टली इनके अपने भी थे, और ये मैं कहता हूँ कि महिंद्रा के पास एक इतना बड़ा चांस है मैं तुझे बता नहीं सकता, अगर ये आईटी में घुसे एक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अच्छा दूसरी बात मैं तुम्हें बताता हूँ, एक एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी बूस्ट होगी। दूसरी बात एप्स अपनी होंगी, अपनी एप्स यूज करेगा इंडिया, उसके बाद और इंटरनेशनल भी यूज होंगी। और दूसरी बात अगर ये घुस गए तो पूरी मतलब इंडिया में उनको इतनी मतलब इज्जत मिलेगी और पॉपुलैरिटी मिलेगी ना, पॉपुलैरिटी लोग यूज करेगा और इज्जत भी इतनी इनको मिलेगी कि क्या ही कहने। वही ना, मैं तो यार सीधी सी बात है चाइना ये जो हरकतें कर रहे हैं आजकल, मुझे पर्सनली जो भी हमारा फ्रेंड है जो भी है मतलब थोड़ा अजीब सा मुझे फील हो रहा है। मतलब यार के लैंड शैंड को छोड़ो, हाँ मतलब यार तुम लोग बस जो है उधर रखो, और हम तो शुरू से यही कहते हैं जो है उधर ही हो, और अपना यार मतलब तुम जो अपने जितना है खुश रहो, तुम भी तरक्की करो और भी exactly, अब ये देख इन लोगों ने एक इंडियंस को चांस दे दिया है यहाँ पे कि भाई मतलब बैन कर एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट चीज, ठीक है अब ऐसे ट्वीट आ रहे हैं आगे से तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अब इंसान की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, मतलब इंडिया की भी इस तरह सेल्फ रिस्पेक्ट है। जाहिर बात है उनको आप तुमने ऐसी लव्स बोले तो इंडिया खुद अपनी एप्स नहीं निकालेगा या वो निकाल, इससे भी डबल ट्रिपल जबरदस्त है। एग्जैक्टली हालांकि नासा में 35% इंडियंस काम कर रहे, तू आगे अंदाजा लगा ले। तो मतलब यार बहुत बड़ा फर्क है, मतलब किसी को पहले तो ऐसा कहना नहीं चाहिए इतना इनका बड़ा, वही ना आईक्यू लेवल है इनका, और ये मतलब के कुछ भी कर सकते हैं। और ये ऐप्स क्या छोटी मोटी चीज है, टिकटॉक ऐसा अल्टरनेटिव निकालेंगे कि भाई वो टिकटॉक का ऑलरेडी मेरे ख्याल में चिंगारी एक ऐप है हाँ, और उसके भी काफी ज्यादा डाउनलोड्स हुए हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है वो आप लाजमी हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर लाजमी बताओ यार, ताकि मतलब और क्या मतलब इसमें कोई अनाउंसमेंट भी किया है महिंद्रा ने या कुछ किया हो तो वो भी आप लोग हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में। और मुझे महिंद्रा का ट्वीट बहुत कमाल का लगा, जिस तरह हम उठेंगे वो बोला है, बहुत मस्त बोला, सही बात है, एक होप मिल गई है इंडियंस को भी कि भाई चल मैं खुश हूँ पर्सनली महिंद्रा की इस अनाउंसमेंट से, अगर वो लोग ले आते हैं ना एम्प्लॉयमेंट जबरदस्त मुबशर मिलेगी, लोगों को बाहर जाके इधर उधर की कंपनीज में काम नहीं करना पड़ेगा, अपने इधर इंडिया में रह के वो काम करेंगे। यार बस अभी तो ग्रोइंग कंट्री है ना इंडिया, तो मतलब बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, चाइना ने एकदम एक नंबर का उनको मौका दे दिया भाई आगे बढ़ने का। सही बात है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है यार, लाजमी हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं इसमें। यार इंडिया में वैसे भी मेरे कितने मतलब एक दो दोस्त भी हैं वो भी आईटी इंजीनियर है, मतलब इस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उनमें टैलेंट होगा तो हर किसी में टैलेंट है भाई, बिल्कुल वही ना। और यार इसी तरह अगर आप लोगों को कोई वीडियोस वगैरह हमें रिएक्ट करानी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह भेज सकते हो, बिल्कुल उधर हम यार एक्टिव रहते हैं एग्जैक्टली, तो आप वहाँ पे हमें भेज, और लिंक उनके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, चेकआउट कर लेना। और अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और थॉट्स हम शेयर करना लाजमी, बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ज्यादा यार ख्याल रखना यार, अल्लाह हाफिज़, नमस्ते एंड सत श्री अकाल।